ये वीडियो उन लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है जिनके बाल शाइनी नहीं है, जिनके बाल रफ हो गए हैं, जिनके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं या फिर डेंडर्फ है। बालों से जुड़ी कोई भी अगर समस्या है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अपने बालों से जुड़ी सभी समस्याओं को ख़त्म करिएगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो आज मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसी रेमेडी कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि आप अपने केमिकल वाले शैम्पू को, जो कि आप मार्केट से शैम्पू खरीदते हैं, कितना भी हाई फाई खरीद लीजिए, आप कितना भी महंगा खरीद लीजिए, किसी भी ब्रांड का खरीद लीजिए, लेकिन हर शैम्पू में भर भर के केमिकल होता है। और तो आज हम अपने मार्केट वाले केमिकल वाले शैम्पू को बनाएंगे पोषण वाला शैम्पू और अपने बालों की सभी समस्याओं को चुटकियों में फॉर्म करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारी वीडियो को वॉच कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने ली है एलोवेरा की लीफ, और हाँ, आपको यही वाला एलोवेरा लेना है, मार्केट वाला जेल नहीं लेना है। और एलोवेरा जब भी आप यूज करें तो उससे पहले आपको इस तरीके से खड़ा कर देना है, जिससे उसका जो येलो पार्ट है वो निकल जाए। येलो पार्ट जो इसमें निकल होता है ना, येलो पदार्थ जो होता है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। उसके बाद आपको अच्छे से उसको वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपको आधी लीफ आप अपने मतलब हिसाब से, जैसे ये जो मैं चावल में डाल रही हूँ, तो ये चावल जो है मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, और इसमें कुछ दाने मैंने मेथी के ऐड कर दिए थे, और इसी में मैंने थोड़ी सी एलोवेरा की लीफ डाल के पीस लिया है। तो आपको मैंने जो है ज़्यादा एलोवेरा क्यों लिया था, इसलिए लिया था, मुझे दूसरी रेमेडी और तैयार करना है, इसमें मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। तो आप इसी तरीके से इसमें आधी लीफ या फिर छोटी लीफ है तो पूरी आप इस तरीके से ऐड करके पीस लीजिए। उसके बाद आप इसको अच्छे से छान लीजिए, जिससे हमें बाल धोते समय दिक्कत ना हो, हमारे बालों में फंसे नहीं चावल के कण, तो इसलिए हमें छान लेना चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे, हमने मेथी, लौंग और चाय की पत्ती का पानी बनाया हुआ है, वो 1 कप पानी हमने रखा था, और जब आधा कप पानी रह गया था तब इसको हमने बंद कर दिया था गैस को, और तब तक हमने इसको बॉयल किया था। जब ठंडा हो गया है तो इसको हम इसी में छान लेंगे, जो हमने चावल और एलोवेरा को पीस के रखा है। और ये जो हमारा जो बचा है इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, और इसको आप हेयर पैक के रूप में पीस के अपने बालों में लगा सकते हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें हम दही ऐड, 1 चम्मच के समथिंग हम दही ऐड करेंगे। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, हमारे बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, हमारे बाल जो हैं सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, हमारे बाल सीधे हो जाएंगे, जैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं ना घुंघराले बाल जो होते हैं, यानी कि कर्ल बाल जो होते हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, सभी तरह की हमारे बालों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और इसी में हमने शैम्पू ऐड किया हुआ है, तो हमारा जो शैम्पू है केमिकल वाला शैम्पू, अब हमारा पोषण वाला शैम्पू बन गया है। तो आप इसको यूज करिए और अपने बालों की समस्याओं को ख़त्म करिए। तो अगर आप बाल धोने से पहले हर बार ये करते हैं, जब भी आप अपने हेयर वॉश करते हैं तभी आप इस तरीके से
अपने रेमेडी बना के इस तरीके से अपने शैम्पू को माइल्ड शैम्पू बना के और हेयर वॉश करते हैं तो आपके बालों की जो भी समस्याएं हैं वो एक दो बार के यूज करने से ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और रेगुलर आप जब इसको यूज करेंगे तो आपके बालों में ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही अचंभित करने वाले होंगे। आपके बालों की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपके बाल ग्रोथ करने लगेंगे, आपके अगर नए बाल नहीं उग रहे हैं तो आपके नए बाल भी उगने लगेंगे, आपके बाल शाइनी हो जाएंगे जो आप चाहते हैं अपने बालों को शाइनी करना और आपके बाल शाइनी नहीं है। बहुत शैम्पू आपने आजमा लिए, बहुत तरह के आपने हेयर पैक भी लगा लिए, बहुत तरह के आपने ऑयल भी यूज कर लिए लेकिन आपके बाल जो है ना शाइनी नहीं हुए। तो आप इसको जरूर करके देखिएगा, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके बाल शाइनी भी होंगे और आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएँ आपकी खत्म होंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगी और आप इसको ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे जरूर देंगे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।